हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लास्ट वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ा था, आज हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें ये देखना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या चीज होती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हमें समझना है। ठीक है, अब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करी, आपने कल देखा था, प्रीवियस वीडियो में आपने देखा कि इस तरीके से आपका पॉजिटिव चार्ज निकलता है और आपका पॉजिटिव में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से बाहर को निकल लेती है। इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अगर मेजर करना है, काउंट करना है, तो काउंट करने के लिए जो चीज आती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू यूनिट एरिया, या फिर ऐसे बोल दो आप, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू अ गिवन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दैट गिवन एरिया। आपके पास कोई आपको सपोज इस तरीके से सरफेस दी है, उस सरफेस में से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी पास करती है, उन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो नंबर है इस सरफेस के परपेंडिकुलर, मान लीजिए मेरा हाथ है, ये हाथ एक सरफेस है, टू डायमेंशनल बॉडी है, देखिए यहाँ पे इस तरीके से इसमें, और ये मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस के नॉर्मली 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, देखिए नॉर्मली जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करती है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। ठीक हो गया। इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा सा आपका आपको एक चीज चाहूंगा कि आपको थोड़ा सा पहले एरिया वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एरिया वेक्टर क्या होता है? जैसे आपने जनरली बोला होगा या देखा है, एरिया को हम लोग स्केलर समझते हैं, लेकिन जब एरिया की बात करते हैं कि एरिया की डायरेक्शन क्या होगी, तो फिर हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। जैसे मान लीजिए मेरा हाथ है, इसके पास ये वाली डायरेक्शन x एक्सिस है और ये वाली डायरेक्शन मेरी y एक्सिस है, एक मेरे पास x है और एक y है, और ये एरिया हो गया x इंटू वाई, इसका एरिया हो जाएगा, या a इंटू बी आप जो भी बोलते हैं, एरिया हो गया। अब इस एरिया की अगर आपसे कोई पूछे डायरेक्शन क्या है, तो आप क्या बोलेंगे कि इस एरिया की डायरेक्शन क्या है? तो आप बच्चों ऐसे याद रख सकते हैं, अपने याद रखने के लिए, कि अगर मैं एरिया की डायरेक्शन x के अलोंग मानता हूँ तो y बुरा मान जाएगा, y के अलोंग मानता हूँ तो x बुरा मान जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, ना मैं इसकी x लेके चलता हूं, ना ही मैं y लेके चलता हूं, तो मैंने एक तीसरी डायरेक्शन ले ली, वो है कौन बची यहां पे, z। तो मैं कहता हूं कि जो इसकी एरिया की डायरेक्शन है, अगर ये एक्स वाई प्लेन है, तो डायरेक्शन ना तो x में होती है ना ही y में होगी, x और y दोनों के परपेंडिकुलर होती है, वो z हो गया। तो अगर आपको कोई एरिया दिया हुआ है, इस तरीके से कोई एरिया आपका दे दिया, तो एरिया की डायरेक्शन एरिया के नॉर्मल होती है। ठीक हो गया। कोई भी आपका एरिया दिया हुआ है, देन डायरेक्शन ऑफ एरिया इज परपेंडिकुलर। तो मान लीजिए यहाँ पे आपने एक छोटा सा एरिया ले लिया, डेल्टा एस ले लिया। अब आपको अगर डेल्टा एस वेक्टर लिखना है, तो आपको मैंने पहले पढ़ाया था कोई भी वेक्टर क्या होता है बच्चों, मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन। तो आप लिखेंगे कि यार डेल्टा एस वेक्टर, डेल्टा एस इसका मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन क्या है इसके, परपेंडिकुलर, एन कैप हो गया, तो ये डेल्टा एस वेक्टर हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फ्लक्स वगैरह बच्चे पढ़ लेते हैं, उन्हें अक्सर ये समझ में नहीं आता है क्या चीज में पढ़ा रहा हूँ। तो मैंने कहा कि अगर एस वेक्टर की बात करो तो मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन होता है, डेल्टा एस इनटू हमने क्या कर दिया, एन कैप कर दिया यहाँ पे, तो ये हमारा एरिया होता है। तो किसी भी एरिया की डायरेक्शन एरिया के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ एरिया इज नॉर्मल टू इट्स सरफेस, नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर होती है, नॉर्मल टू इट्स सरफेस। ठीक है, तो अगर मुझे एरिया वेक्टर बताना है, एरिया वेक्टर तो वो क्या हो गया, जैसे हमने डेल एस कोई एलिमेंट्री एरिया ले लिया, उसके लिए डेल एस वेक्टर निकाला, तो मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन, डेल्टा एस इंटू एन कैप हमने कर दिया, दिस इज इलेक्ट्रिक, सॉरी ये हमारा एरिया वेक्टर हो गया। अब मैं आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, फिर उसे समझा देते हैं। देखिए डेफिनेशन तो सिंपल सी बात है, आप ऐसे समझिए, मान लीजिए आप ये मान के चलिए, जैसे मान लो ये आपके पास कोई प्लेन शीट है, इसके पास पॉजिटिवली चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकलेंगी, इससे परपेंडिकुलर बाहर की तरफ को निकलेंगी, और मैंने अपना हाथ रख दिया सामने, तो क्या होगा, इस हाथ से ये हाथ एरिया हो गया, इस हाथ से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, आप ये मान के चलिए यहाँ पे ये बंदूक है, या इस टाइप की प्लेन कोई बंदूक है, इसमें से गोलियां निकल रही है, यहाँ से बाहर को ऐसे गोलियां निकल रही है। ठीक है, तो वो गोलियां मेरे हाथ से कितनी जाती हैं, 10, 20, 30, 50, 100,
उनका जो नंबर है उस नंबर को मैं सिंपली इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल देता हूँ। आ रही है बात समझ में? आप ऐसा समझ के चलिए कि इसमें से कुछ चीजें ऐसे होल्स हैं वो निकल रही हैं तो वो इस हाथ से जाएंगी इस तरीके से। तो हमने देखना है क्या, इसके नॉर्मल देखना होता है, जितनी भी वो नॉर्मल में पास कर रही होगी उनका नंबर क्या कहलाएगा, आपका फ्लक्स कहलाएगा। तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स लाइन्स पासिंग नॉर्मली थ्रू, नॉर्मली मीन्स परपेंडिकुलर थ्रू अ गिवन एरिया, किसी एरिया से नॉर्मली जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास करेंगी उनका जो नंबर है उस नंबर को हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल देते हैं। अगर मैं इसका सिंपली एक डायग्राम बना के आपको दिखाऊं तो वो ये है, देखिए आपके पास ये कोई सरफेस है, आप इस तरीके से इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को दिखा दीजिए, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को आपने दिखा दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी जा रही है, ये कोई एरिया हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड से जो है आपका वो है नॉर्मल टू दी सरफेस, ठीक है, इस सरफेस के वो नॉर्मल जा रही है, ठीक हो गया। अब अगर मान लीजिए कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसके नॉर्मल ना जा रहा हो, किसी एंगल पे जा रहा हो, तब क्या होगा, तो एक इसका छोटा सा फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को हम लोग ड्राइव कर लेते हैं, ठीक है। आप ये समझना, अभी थोड़ा सा फॉर्मूला है, फिर थीटा को लेके कुछ बच्चों में कंफ्यूजन रहता है, उसको क्लियर कर देते हैं। मान लीजिए मैं इसको फिर से बनाता हूं, ठीक है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अभी मैंने बोला था इसके परपेंडिकुलर, दिस इज एन कैप, या 2D बोर्ड में जो बना रखा है ऐसे जो बन रहा है, आप इसको ऐसे समझिए मैंने ये रखा हुआ है, आपकी जो चीज दिख रही है आपको बनी हुई, इसको बोर्ड में आपने देखना है कैसे, आपने ये देखना है कि कोई चीज इस तरीके से रखी हुई है, आपने इसको ये सोचना है कि बोर्ड पे ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, ये जो चीज ऐसे दिखाई है ना, हमने इसको ऐसे सोची आप, तो बच्चों ये होगा तो इसका एन कैप कहाँ जाएगा, एन कैप यही तो जाएगा, बहुत हार्ड है, सॉरी, तो ये आपका एन कैप हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इसके परपेंडिकुलर जा रही है, तो ये एन कैप हो गया, दिस इज द डायरेक्शन, तो हमने इसको ऐसे करके रखा हुआ है बोर्ड में, तो ऐसे दिखाऊंगा मैं, आप ऐसे समझिए इसको ये रखा हुआ है, एन कैप आपका ये जा रहा है इसके परपेंडिकुलर, ठीक है, इसको हम यहाँ इसके सेंटर से दिखा देते हैं। अब मान लीजिए इस डायग्राम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो इस तरीके से जा रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस तरीके से है थीटा एंगल पे, जो एरिया की, लेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज एट एन एंगल थीटा टू दी डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। मैंने कहा जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट कर रहा है वो इस जो एरिया वेक्टर है उसकी डायरेक्शन से थीटा एंगल बनाता है, तो अभी मैंने बोला था बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का वो नंबर काउंट करना है मुझे जो इसके परपेंडिकुलर जा रहा होगा, तो इस ई वेक्टर के मेरे पास दो कंपोनेंट होंगे, आप समझिए ई के दो कंपोनेंट, ये वाला कौन सा होगा थीटा के साथ का, ई कॉस थीटा, और यहाँ पे होगा आपका ई साइन थीटा, तो मैं किसमें इंटरेस्टेड हूं, मैं उस कंपोनेंट में इंटरेस्टेड हूं जो नॉर्मल है, जो नॉर्मली जाएगा, मैंने क्या कहा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू इस सरफेस के परपेंडिकुलर जो लाइन जा रही है मुझे वो चाहिए, तो मेरे को ये ई में से उसकी बात करनी है। जैसे आप अगर कंपोनेंट की समझ आपको नहीं है बेहतर, तो आप ये ध्यान दीजिए, अगर ये कोई बॉडी है मैं इस पे एफ फोर्स लगाता हूं, तो ये सारा का सारा फोर्स इसको खींचने में चले जाता है। अब अगर वो आप इस तरीके से इस पे फोर्स लगा रहे, सपोज इस तरीके से फोर्स लगा दे थीटा एंगल पे, तो आपके दो कंपोनेंट होते हैं एफ कॉस थीटा एंड एफ साइन थीटा, तो बेटा अगर आप ऐसे करके खींच के किसी चीज को लेके जा रहे हैं तो एफ कॉस थीटा उसको आगे को लेके आएगा, जो आपका फोर्स है फोर्स का एफ कॉस थीटा पार्ट उसको खींचने में लग रहा है, और एफ साइन थीटा उसको उठाने में लग रहा है, एफ साइन थीटा हो गया, और ये क्या हो गया आपका एफ कॉस थीटा, इस तरीके से हो गया। तो वैसे ही
ई के दो कंपोनेंट होंगे, तो मेरे को कौन सा वाला कंपोनेंट चाहिए? ई कॉस थीटा, बिकॉज ई कॉस थीटा इज इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल. यहां पे लिखेंगे एज ई कॉस थीटा इज इन द डायरेक्शन ऑफ एन कैप. ठीक है, अब यहीं पे बच्चों मैंने क्या किया, एक यूनिट एरिया भी ले लिया, सॉरी नॉट एक आपका एलिमेंट्री एरिया ले लिया. इस पूरे के एरिया के लिए निकालो, मैंने कहा मान लीजिए छोटा सा एरिया डेल्टा एस है, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एलिमेंट्री एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का नॉर्मल कंपोनेंट लेना है इनटू आपने क्या लेना है, एरिया. अब आप इस एलिमेंट्री एरिया के लिए निकाल रहे हैं, छोटे एरिया के लिए निकाल रहे हैं जो कि डेल्टा एस है, तो बच्चों और जो नॉर्मल कंपोनेंट है वो ई कॉस थीटा, तो आपका ये हो जाएगा ई कॉस थीटा इनटू डेल्टा एस. इस फ्लक्स को हम लोग फाई से डिनोट करते हैं, तो स्मॉल है तो डेल्टा फाई हो गया. ठीक है, अब इसको मैं यहां पे ऐसे लिख देता हूं, डेल्टा फाई इक्वल टू ई डेल्टा एस कॉस थीटा. क्लास 11th याद करो, ए बी कॉस थीटा को हम लोग क्या बोलते थे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट आपने पढ़ा था, तो उसी तरीके से आप ई डेल्टा एस कॉस थीटा को बच्चों क्या बोल सकते हो, ई वेक्टर डॉट डेल्टा एस वेक्टर. तो डेल्टा फाई आपका जो ई डेल्टा एस कॉस थीटा है उसको आप ई वेक्टर डॉट डेल्टा एस वेक्टर कह सकते हैं. तो ये आपका इस छोटे से एरिया की वजह से आपका फ्लक्स निकल के आ गया. अब पूरे की वजह से निकालना है तो आप इसका इंटीग्रेशन कर देंगे. ठीक हो गया, तो हम क्या कहते हैं, अब इधर देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू होल सरफेस, फाइ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन डेल्टा फाइ. स्मॉल क्वांटिटी डेल्टा फाइ है, उसका मैंने इंटीग्रेशन कर दिया, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका ई डेल्टा एस कॉस थीटा या फिर इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस. ठीक है, अब यहाँ पे स्पेशल केसेस डिस्कस कर लेते हैं. स्पेशल केसेस की बात करते हैं, इस स्पेशल केसेस में थोड़ा सा बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, सिर्फ वो बच्चा कंफ्यूज होगा जिसने स्टार्टिंग पार्ट एरिया वेक्टर फोकस नहीं किया है, नहीं तो आप एरिया वेक्टर जिसने क्लियरली पढ़ लिया तो उसको कंफ्यूजन की कोई स्थिति बनने वाली नहीं है. कैसे, स्पेशल केस के अंदर पहला लिख लेते हैं, इफ थीटा इक्वल टू जीरो डिग्री, थीटा जीरो होगा तो क्या होगा, कॉस थीटा, थीटा इक्वल टू जीरो आपका कॉस थीटा, कॉस जीरो वो जीरो हो जाएगा, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, कॉस जीरो वन होता है आपका, तो जो फाई है आपका कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ई डेल्टा एस, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू वन हो गई, जैसे ई बाहर आ जाएगा बेटा, इंटीग्रेशन डेल्टा एस, छोटे से पोर्शन का इंटीग्रेशन करोगे तो टोटल एरिया आ जाएगा, तो ई इंटू ए. तो ये फ्लक्स का फॉर्मूला आ गया आपका, फाई इक्वल टू ई ए. ठीक है, ये भी फॉर्मूला है थीटा के साथ, बिना थीटा में अगर आपको दिया हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेना है आपने और एरिया. जैसे अगर मान लो मेरे हाथ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है, इस एरिया के लिए ले रहे हैं आप, अगर एरिया इतना है पूरा है तो ज्यादा होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसको आधा कर देते हैं, एरिया कम कर देते हैं तो कम जाएंगी, तो एक तो इसके एरिया पर डिपेंड कर रहा है, एरिया ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा जाएंगी, एरिया कम होगा तो कम जाएंगी. दूसरा किस पर डिपेंड करता है, दूसरे की अगर मैं बात करता हूँ तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड पर तो डिपेंड करेगा बेटा, ये जो सोर्स है अगर यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ज्यादा आ रही हैं तो ज्यादा होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स अगर कम आ रही है तो वैल्यू उसकी क्या होगी, कम हो जाएगी. तो दोनों चीजों पर डिपेंड करता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड. जैसे मैंने कहा गोलियां निकल रही हैं, मानिए इस तरीके से गोलियां बाहर निकल रही हैं,
तो अगर गोलियां इसमें से ज्यादा निकल रही होंगी तो इस एरिया में से ज्यादा जाएंगी, और कम निकल रही होंगी तो कम जाएंगी। तो इस पर भी डिपेंड करेगा जो चीज वहां से निकल रही है। तो हमने कहा कि हमारा जो फ्लक्स है, कंफ्यूजन कैसे होता है, बच्चे दिमाग लगाते नहीं है, वो सोचते हैं यार थीटा तो जीरो हो गया, थीटा जीरो। अब वो बोल रहा है अभी उसको दिख तो ये रहे हैं कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये आ रही है, ये सरफेस है, अब उसकी आंखें तो उसको दिखा रही है कि एंगल 90 बन गया है, बस कमाल हो गया, थीटा 90 कॉस 90 जीरो, उसने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जीरो। वो केस जिसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती हैं उसमें उसने बोल दिया कि भाई जीरो होगी, क्यों, क्योंकि वो तो कह रहे यार थीटा तो यहाँ पे 90, बेटा यहाँ पे थीटा 90 नहीं बन रहा है, यहाँ पे थीटा कितना बन रहा है, जीरो, क्योंकि आपको इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या देखनी है, आपकी एक मार्कर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखा रहा है, एक एरिया की डायरेक्शन को दिखा रहा है, और एरिया की डायरेक्शन क्या पढ़ाई थी स्टार्टिंग में, एरिया की डायरेक्शन एरिया के परपेंडिकुलर होती है, तो दोनों पैरेलल हो गए ना, थीटा कितना हो जाएगा जीरो, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, सॉरी दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गए तो थीटा कितना हो गया जीरो। एक मार्कर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को दिखा रहा है, और जो दूसरा जो मार्कर है वो दिखा रहा है इस एरिया की डायरेक्शन, तो जो तुम्हें ऐसे 90 डिग्री दिख रहा है, दिस इज नॉट 90 डिग्री, दिस इज 0 डिग्री, क्योंकि थीटा इज द एंगल विथ नॉर्मल। तो जब ऐसे रख रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और जो ये नॉर्मल है दोनों सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में एंगल तो बनता नहीं है, एंगल कितना होगा जीरो, एंगल कब बनेगा, जब दो लाइनें कट करेंगे तभी तो एंगल बनेगा, अभी एंगल कितना हो जाएगा इसका, जीरो हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान लगाइए, इस कंडीशन में थीटा 90 नहीं बोलना है, थीटा कितना बोलना है, जीरो, ना तो ये डायरेक्शन है एरिया की, ना ये है, एरिया की डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ये है, तो थीटा यहाँ पे आपका बन जाएगा कितना, जीरो डिग्री। तो ये वाला केस हो गया। सेकेंड, अगर यहीं पर मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि भैया थीटा 90 हो गया तो क्या हो जाएगा, थीटा 90 तो कॉस 90 आपका कितना हो गया, जीरो, तो फ्लक्स भी आपका कितना हो जाएगा, जीरो। ये वाला केस कौन सा है, इसको डिस्कस करते हैं। ये केस है जब 90 बन रहा है, तो 90 बनने के लिए आपको क्या समझना है, बहुत देर से मेरी नजरें एक पेन को ढूंढ रही थी जो अब जाके मिली है मुझे रूम में, ये देखिए बच्चों यहाँ जान दो, पहला वाला केस फिर से एक बार डिस्से, पेन ढूंढ रहा था मिल नहीं रही थी, घुस ही नहीं रहा इसमें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया दोनों की डायरेक्शन सेम, दिखने में तो ऐसा लग रहा है 90 बनेगा, ये मार्कर इसके साथ 90 है, नहीं जीरो, क्योंकि आपको पेन किसकी डायरेक्शन है, एरिया की, और ये हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे ही रहने देते हैं और इसको ऐसे कर देते हैं, तो अब एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो अगर सरफेस इस तरीके से रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो गुजरनी नहीं है इससे, तो थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री हो रहा है ना। अब आप इस पेन और ये मार्कर का एंगल देखना है, क्योंकि आपको इस एरिया की डायरेक्शन में इंटरेस्ट है, थीटा भी 90 हो गया, तो 90 हो गया तो आपका 50 हो जाएगा, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं गिरेंगे। तो हमने पूरा टॉपिक समझा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करती है, कैसे नॉर्मली एरिया की डायरेक्शन देखी, एरिया की डायरेक्शन उस सरफेस के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, देखा, ये सारी चीजें देखी। अब इस पर बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, और क्वेश्चन है इफ ई वेक्टर इक्वल टू 2i प्लस 5j प्लस 6k, ठीक है, इतना यूनिट, इसकी मैं यूनिट डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, यूनिट लिखा हुआ आंसर आप यूनिट में लिख देंगे, कुछ भी यूनिट होगी, ठीक है। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस ऑफ सरफेस एरिया 20 यूनिट, ठीक है, प्लेस्ड इन वाईजेड प्लेन, ठीक है। सॉल्यूशन, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड तो भाई ये दिया हुआ है 2i प्लस 5j प्लस 6k। अब हमने फ्लक्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, E.ds बोल दो या E.a बोल दो, A एरिया वेक्टर हो गया,
अब एरिया तो आपको 20 दिया हुआ है, अब एरिया वेक्टर क्या होता है? कोई भी वेक्टर क्या होता है? आपका मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। इसका मैग्नीट्यूड 20 है, डायरेक्शन मुझे सोचनी है। अब जो सरफेस है वो कहाँ रखी है? वाई जेड प्लेन में। मान लो ये मेरा वाई है, इसको हटा देते हैं, इसको वाई है जेड, ठीक है, ये वाई जेड प्लेन है। तो सरफेस वाई जेड प्लेन है, तो इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी एरिया की? तो ना तो मैंने क्या कहा, वाई लोगे तो जेड गुस्सा हो जाएगा, जेड लोगे तो वाई गुस्सा हो जाएगा, तो ना वाई लेंगे ना जेड, तो डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन इज एक्स, डायरेक्शन इस एरिया की डायरेक्शन क्या होगी? एक्स। बेटा यहाँ पे 20 है, डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसकी? आई कैप। एक्स एक्सिस की जो डायरेक्शन होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? आई कैप। आई कैप, जे कैप, के कैप आपके तीन यूनिट वेक्टर होते हैं। आई कैप एक्स एक्सिस, जे कैप वाई एक्सिस, और ये आपका हो गया यहाँ पे आई कैप, इधर होता था आपका जे कैप, इधर आपका के कैप होता है। आई कैप, जे कैप और के कैप, ये आपकी एक्स एक्सिस, ये वाई और ये जेड। तो आपका जो प्लेन वो रखा हुआ है अभी, वो वाई जेड प्लेन में रखी हुई है, तो वाई जेड की डायरेक्शन क्या होगी? वाई जेड के परपेंडिकुलर, तो वो कौन है? एक्स। एक्स की डायरेक्शन आई कैप, तो एरिया की डायरेक्शन कितनी होगी? 20 आई कैप। फ्लक्स का जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई कर देते हैं। फाइव इक्वल टू कितना है? ई डॉट ए, E की वैल्यू कितनी है? 2i प्लस 5j प्लस 6k डॉट 20 आई कैप। i डॉट i कितना होता है आपका? 1। j डॉट i 0, k डॉट i 0, तो आपका यहाँ 2 इंटू 20 हो जाएगा, यानी कि 40। मैंने यहाँ पे यूनिट लिख दी। 5 की वैल्यू कितनी आएगी? 40 यूनिट। अच्छा, यूनिट से याद आएगी, मैं तो फ्लक्स की 5 की यूनिट ही बताना भूल गया। तो थोड़ा सा इसको भी इक्वेशन नोट कर लो जल्दी से, उसके बाद तुम्हें मैं 5 की यूनिट बताया था जल्दी से। यूनिट हम देख लेते हैं, थोड़ा सा मैं भूल गया यूनिट पढ़ाना। फाइव की, बेटा फाइव क्या था आपका? ई इंटू ए था। ई क्या था आपका? एफ अपॉन क्यू नॉट, और ये एरिया हो गया। एफ के लिए न्यूटन, क्यू के लिए कूलम, एरिया के लिए क्या होता है आपका? मीटर स्क्वायर। यूनिट हो गया इसकी न्यूटन, मीटर स्क्वायर, कूलम, -1। थोड़ा मैं भूल गया था इसको बताना वहां पे, इसको नोट कर लो यूनिट को जल्दी से। डायमेंशनल फॉर्मूला इसका खुद से निकालना, पीछे भी मैंने डायमेंशनल फॉर्मूले पढ़ा रखे हैं आपको। एक क्वेश्चन और करते हैं, अ सिलेंडर इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड ई वेक्टर विथ इट्स एक्सिस अलोंग द फील्ड, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड, ठीक है। कैलकुलेट टोटल फ्लक्स, कैलकुलेट टोटल फ्लक्स, क्वेश्चन मार्क, सॉल्यूशन। आपके पास क्या है? देखिए, कोई सिलेंडर है, उस सिलेंडर को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, ठीक है। ये सिलेंडर की एक्सिस हो जाती है बच्चों, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सपोज ये है, सपोज क्या कह रखा उसने कि जो इसकी एक्सिस है, एक्सिस के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, बोला फ्लक्स बताइए। तो मैं इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, इसको ए बोल देता हूँ, इसको बी बोल देता हूँ, और यहाँ पे एक छोटा सा पोर्शन ले लेता हूँ, उसको मैं सी बोल देता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो इसकी जब हम बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या हो रहा है, देखिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ठीक हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, अगर हम यहाँ की बात कर रहे हैं, आपका जो एरिया है, तो अब एरिया की डायरेक्शन क्या होगी? अभी मैंने बताया आप सिलेंडर को आप कंसिडर करेंगे तो एरिया की डायरेक्शन क्या होगी?
सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। तो आपके पास देखिए क्या होगा, जैसे यहाँ पे आप पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कर लो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ठीक है, और यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, और ये सिलेंडर है, ठीक है। सिलेंडर में अब जो ये सरफेस है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, सरफेस के परपेंडिकुलर, मतलब ये आपकी तरफ आ रही है, दिख रहा है आपकी तरफ, और ये वाला मेरी तरफ आएगा इसके परपेंडिकुलर। तो ये हो गया आपका यहाँ पे एरिया की, जो इसके एक्स के अंदर एक छोटा सा एरिया ले लेते हैं, यहाँ पे भी आप एक छोटा सा एरिया डेल्टा एस ले लो, डेल्टा एस, तो डेल्टा एस भी इधर को जा रहा है, यहाँ पे भी एक छोटा सा एरिया ले लेते हैं, ऐसे ही छोटा सा डेल्टा एस, उसकी डायरेक्शन ये हो रही है, यहाँ पे भी एक छोटा सा एरिया ले लो, क्या डेल्टा एस। अब बच्चों क्या होगी, जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इधर जा रहा होगा, और एरिया की डायरेक्शन आपकी ये होगी डेल्टा एस की, डेल्टा एस वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर। अगर यहाँ पे देखोगे ना तो ये इसके परपेंडिकुलर तो होगा, तो आपका जो टोटल फ्लक्स है वो तीन पार्ट्स में होगा, फाइ ए, फाइ बी प्लस फाइ सी। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फाइ इक्वल टू ई डॉट डी एस, फाइ इक्वल टू हमने पढ़ा हुआ है ई डॉट डी एस, ठीक है, ई डॉट डी एस कहां पे, ए पे, प्लस ई डॉट डी एस कहां पे, बी पे, प्लस ई डॉट डी एस कहां पे, सी पे। ई डॉट डी एस को खोलूंगा तो क्या होगा बच्चों, ई डेल्टा एस कॉस थीटा ए के लिए हो जाएगा, प्लस ई डेल्टा एस कॉस थीटा बी के लिए हो जाएगा, प्लस ई डेल्टा एस कॉस थीटा ये सी के लिए हो जाएगा। अब यहां पे देखो आपका डेल्टा एस की डायरेक्शन ये है, इधर ई की डायरेक्शन ये है, तो एंगल कितना बन गया 180 डिग्री, यह एंगल बन रहा है 180 डिग्री, यहां ये दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो थीटा कितना हो गया 0 डिग्री, और यहां पे आपका जो थीटा है वो कितना बन रहा है 90 डिग्री, तो हो गया बात खत्म। इंटीग्रेशन ई डेल्टा एस कॉस, यहां पे कितना बनेगा कॉस, इसके लिए एंगल होगा कॉस 180, प्लस ई डेल्टा एस कॉस बी, बी वाले पे एंगल कितना है 0, कॉस 0, प्लस ई डेल्टा एस कॉस 90। अब सबको पता है कॉस 90 कितना होता है 0, ये तो खत्म हो गया। अब आपको पता क्या, देखिए बस थोड़ा सा क्वेश्चन रह गया, अब देखो आपको पता है कॉस 90 कितना होता है बच्चों 0, तो ये टर्म खत्म हो गया। कॉस 0 कितना होता है तुम्हें पता है प्लस 1, और कॉस 180 कितना होता है माइनस 1, तो ये टर्म आ जाएगा माइनस में, तो क्या हो जाएगा देखो, माइनस इंटीग्रेशन ई डेल्टा एस, ये आएगा प्लस इंटीग्रेशन ई डेल्टा एस, और ये जीरो, ये कैंसिल आउट हो गया, तो इक्वल टू कितना हो गया जीरो। तो अगर किसी सिलेंडर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए, और इलेक्ट्रिक फील्ड उस सिलेंडर की एक्सिस के अलोंग रखा हुआ है, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कितना होगा जीरो। कैसे, यहां पे ये वाली जो सरफेस है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी तरफ आ रही, सॉरी इसके एरिया की इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो आपसे शुरू हो रहा है, ऐसे जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया, इस एंड में भी ऐसे जाएगा, इस एंड में भी इधर को जाएगा। अब इस एरिया की डायरेक्शन आपकी तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को, तो एंगल 180, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर को जाएगा और इस एरिया की डायरेक्शन भी इधर को जाएंगी, तो कितना हो गया 0 डिग्री। यहां पे एरिया ऊपर को होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को, तो 90, तो तीन केस बन गए, एक 90 वाला, एक 180 वाला, एक 0 डिग्री वाला, तो आपका cos 90 0, cos 0 1, cos 180 माइनस 1 हो गया, तो रिजल्टेंट आपका इस तरीके से 0 आ जाएगा। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर एक क्वेश्चन अभी और देख लेते हैं इस पर बेस्ड। चलो बच्चों अभी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही करते हैं, फिर आगे देखेंगे, और ये क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए। थैंक यू।